सामने से दो लड़के आए थे बाइक पे, सीधा यहाँ पे पीछे जो बाइक के पीछे बैठा था उसने गले से झटका मारा चेयर तोड़ के और इस तरफ भाग गया। कृष्णगंज थाना अंतर्गत पंचशील नगर सिंधु भवन के पास हुई चैन स्नैचिंग की वारदात। सी ब्लॉक में रहने वाली रीतू जेठानी के गले से दो बाइक सवार युवक चैन लूट कर हुए फरार। कृष्णगंज थाना अंतर्गत पंचशील नगर में रहने वाली रीतू जेठानी रोजाना की तरह सोमवार सुबह मंदिर से लौट रही थी, तभी 10:45 करीब पंचशील नगर सी ब्लॉक सिंधु भवन के पास बाइक सवार दो लड़के आए और रीतू जेठानी के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन लूट कर फरार हो गए। रीतू जेठानी ने अपने हाथ में पकड़ा लोटा फेंक कर मारा, लेकिन तब तक आरोपी तेजी से फरार हो चुके थे। रीतू जेठानी ने बताया कि दोनों युवकों की उम्र 22 से 27 साल के बीच रही होगी। वह पैशन प्रो बाइक पर सवार थे जिसका ब्लैक और रेड कलर था। वह नंबर नहीं देख पाई, शोर भी मचाया, लेकिन सुबह का वक्त होने पर कोई बाहर मौजूद नहीं था। इलाके में रहने वाले समाजसेवी मुकेश आहूजा ने बताया कि लगातार पर्स लूट चैन लूट की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कृष्णगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी अपील की है कि महिलाएं घर से बाहर निकलते वक्त सोने के आभूषण ना पहने। यहाँ से मैं सीधी जा रही थी, मंदिर से आ रही थी, 9:50 का टाइम था। आगे मैं चल रही थी, इस तरफ वो कार और ये पिलर के बीच में पहुंची थी। सामने से दो लड़के आए थे बाइक पे, सीधा यहाँ पे पीछे जो बाइक के पीछे बैठा था उसने गले से झपटा मारा चैन तोड़ के और इस तरफ भाग गया। मैं पीछे से दौड़ करके आई भी थी, मैंने हाथ में लोटा था, मैंने उसको फेंक के मारा बट भाग गया। अच्छा, पकड़ में नहीं आया ना? नहीं आया पकड़ में। तो दो लड़के थे? हाँ। कौन सी गाड़ी पे थे? पैशन प्रो थी। पैशन प्रो थी, ब्लैक और रेड कलर की। अच्छा, कितनी उम्र के होंगे लगभग लड़के? वो ज़्यादा नहीं होंगे, कोई 22 से 25-27 साल के बीच के होंगे। अच्छा, वो भाग गए वो। ये लगभग 9:45 की बात है, मुझे कॉल आया अभी वहाँ से लेडीज का कि एक लेडीज जो पंचशील सी ब्लॉक में अपने सिंधु भवन के पास से गुजर रही थी, मंदिर जा रहे थे वो, और वहाँ से एक बाइक निकली, वहाँ से बाइक पे दो लड़के सवार थे, उन्होंने उस लड़की के चैन में झपटा मारा और झपटा मार के तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। उसको पकड़ने की भी कोशिश करी पर वो हाथ में नहीं आए और लेडीज बिल्कुल घबरा गई एकदम। उन्होंने फ़ोन किया, हम मौके पर स्थिति में पहुँचे और चैन जब तक वो ले चुके फरार हो चुके थे। दो लड़के थे, उम्र भी मैं समझता हूँ 22-25 साल के बीच में उम्र होगी उनकी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम, आज सुबह भी अपने अखबार के माध्यम से पढ़ा किसी की वैशाली नगर में पर्स किसी चैन स्कैनिंग हुई थी, तो ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो हम तो प्रशासन से इसका एक निवेदन करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें लगाम कसे। आज हमने फिर हमने एक थाने में रखे अपने एक एप्लीकेशन दी, FIR दी, उन्होंने पुलिस ने भी उनको सहयोग किया पूरा। उन्होंने जल्द आश्वासन दिया कि जल्द इनमें इनको पकड़ के हम पकड़ेंगे जल्द और बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल पूरा सहयोग किया हमारे को प्रशासन ने। पर हम निवेदन करेंगे कि ऐसी वारदात को रोकी जाए, क्योंकि ये दिन ब दिन ये वारदातें चैनल करने की बढ़ती जा रही है। और एक मैं एक निवेदन भी करूंगा महिलाओं से कि आप चैन नहीं पहने, आपको लगेगी कि हमारे आसपास कोई घूम रहा है, कोई हमारे को रेकी कर रहा है, तो आप सतर्क रहें, ध्यान रहें और कोशिश ये करें कि आप चैन थोड़ा सा चैन का उपयोग कम करें, क्योंकि अभी आपको वारदातें बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको मालूम अपने आस पास कोई घूमता है हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान से चलें, थोड़ा सा बिल्कुल इसको थोड़ा संभल के चलें, क्योंकि अभी कभी कोई पता नहीं कब किसी चैन तोड़ के चले जाए। तो ये मैं आमजन से अप्लाई करूँगा। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम रितु जेठानी नाम है और बिल्कुल बिल्कुल बेचारे सीधे सीधे जा रहे थे अपने, उनको पता भी नहीं पड़ा उनकी चैन से कब चैन निकल गया, गायब हो गए वो। गाड़ी कौन सी थी उनकी? गाड़ी से बाइक मोटरसाइकिल थी उनके हाथ में।